तो गाइस सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, जो पास में बेल का आइकन है उसे भी प्लीज जरा दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूं। तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू वन टेक। तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू देंगे फिलिप्स के SHL 3165 हेडफोन्स के बारे में। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ये आपको हेडफोन्स बहुत ही पसंद आने वाला है। तो गाइस बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है वो हेडफोन्स फिलिप्स के SHL 3165। आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी और आपको यहाँ पर मिलता है सॉलिड बेस, डायनेमिक सॉलिड बेस, और आपको यहाँ पे कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको सबसे अच्छी बात इसमें मिलता है माइक्रोफोन, और आपको यहाँ पे दिया गया है कंपैटिबल डिवाइसेस। हालांकि ये सभी फ़ोन के साथ अच्छा काम कर लेता है। और इसके बैक में देखें तो आपको यहाँ पे कुछ हेडफोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये रोटेटेबल हेडफोन्स है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, एक हद तक आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर पॉज करके इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे पॉज करके इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 mm जैक, और आप इसको लगा सकते हैं अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट और आईपॉड जैसे डिवाइसेस में। तो कुछ इस प्रकार का ही आपको बॉक्स मिल जाए। सबसे अच्छी बात है इसमें आपको माइक्रोफोन भी मिल जाता है। और इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस कितनी हो, तो आप इस वीडियो पर एंड तक दिखेगा गाइस। तो बस हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, सबसे सामने पहले हमारा आता है हेडफोन्स। तो कुछ इस प्रकार के आपको बिल्कुल शाइनी से ब्लैक हेडफोन्स मिलते हैं। आपको इसमें ऑप्शन भी अवेलेबल है जैसे वाइट कलर और ब्लू कलर में, लेकिन आपको ब्लैक कलर बिल्कुल शाइनी और मेटेलिक ब्लैक बिल्कुल अच्छा लगता है, इसमें शाइन करता है ब्लैक में। तो अब हम इसकी चीज़ों को साइड में रखते हैं। तो और आप अब हम आते हैं अपने हेडफोन्स की तरफ से, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये रोटेटेबल हेडफोन्स है, आप इसको एक हद तक रोटेट कर सकते हैं। और इसकी एक बात जो हमें मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये इसकी जो वायर है वो बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे आपको कुछ शाइनी सी डिज़ाइन मिल जाती है और फिलिप्स के आपको ब्रांडिंग मिलेगी यहाँ पे। और जैसे मैं आपको शायद तक आपको दिख रहा होगा, तो दूसरी साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे भी फिलिप्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और वो जो जहाँ पे फिलिप्स की ब्रांडिंग मिलती है आपको वो काफ़ी शाइनी सा मिल जाता है मटेरियल। तो गाइस अब मैं आपको इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें हालांकि कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे से हेडफोन्स है बिल्कुल। मैंने इसको पूरे 15 दिन से ज़्यादा तक टेस्ट किया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हेडफोन्स कैसे हैं। तो आप इसको काफ़ी अच्छे तक रोटेट कर सकते हैं। यदि आप इसको पहनना चाहें तो आप इसको करीबन 2 घंटे तक पहन सकते हैं, और आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं आपके हेड फोरहेड के हिसाब से। और इसकी साउंड की बात करो तो आपको साउंड काफ़ी क्लियर वॉइस मिलते हैं, बेस बिल्कुल ठीक ठाक सा मिल जाता है, और जो लो एंड हाई जो वॉइसेस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आप इसको काफ़ी हद तक काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं, आपको ऐसा कुछ हेडेक नहीं होता, यहाँ पे आपके कान में दर्द नहीं होता। आप इसको काफ़ी देर तक अपने मैं हेड पे लगा के रख सकते हैं, और बिल्कुल काफ़ी अच्छी सी वॉइस आती है, बेस भी आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है। तो मैं आपको इसकी वॉइस के बारे में बता देता हूँ कि आपको मैं वॉइस प्ले करके बताता हूँ कि आपको ये कैसा वॉइस मिल जाती है आपको इसमें। तो मैं एक गाना कोई प्ले कर देता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि आपको इसमें कैसी वॉइस मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार की आपको वॉइस मिलती है। तो गाइज ये हेडफोन्स मैंने परचेस किए हैं, वो भी सिर्फ 430 रुपीज़ में। जी हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, तो ये काफ़ी अच्छे से हेडफोन्स हैं, आपको बिल्कुल फ्लफी मिल जाते हैं आपको। और आप ये बाय कर सकते हैं अपने ऑफलाइन में, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं रहा अभी है, तो आप ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है आपके आसपास की कोई सी शॉप में, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फिलिप्स की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके वहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल है। और मेरे हिसाब से बताऊँ आपको गाइज हेडफोन्स तो काफ़ी बजट में काफ़ी अच्छा सा हेडफोन्स मिल जाता है आपको। और अगर आपको ये वाला हेडफोन्स लेना है, तो अगर आपको कोई सा भी हेडफोन्स लेना है, तो अगर आपका बजट कम है तो आप ये वाला हेडफोन्स ले सकते हैं मेरे हिसाब से। ऐसा ही नहीं बोल रहा कि मेरे परचेस किया है तो इसलिए, बल्कि ये मुझे हेडफोन्स काफ़ी पसंद आया और उसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी पसंद आई है। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है और मेरा हार्ड वर्क लगा है मैंने इस पर, ताकि मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से बना पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।